इग्नू की तरफ से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि ये है, और इसमें आपको प्रमोशन के बारे में बताया गया है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसमें किसे प्रमोशन दिया गया है और किसे नहीं दिया गया है। वीडियो को कम्प्लीट देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नू की तरफ से ये जो प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इग्नू के आप मेन वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर भी ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो इग्नू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ पर भी इस चीज को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइम भी बताया जाता है कि 5:24 पर इस नोटिफिकेशन को 1 अप्रैल के डेट में अपडेट किया गया है। और अब बात करते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आपको क्या बताया गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। ये जो पेज है इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको 31 मार्च लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ नीचे करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी है, और इस नोटिफिकेशन का कॉपी कहाँ कहाँ पर भेजा गया है यहाँ पर आपको बताया गया है। पर इस नोटिफिकेशन को इग्नू के मेन वेबसाइट पर आज ही अपडेट किया गया है। यहाँ सब्जेक्ट में लिखा गया है कि यूजीसी के कहने पर, यानी कि यूजीसी के ऑर्डर पर, इसमें आपको ये बताया गया कि जो भी बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनको प्रमोशन दिया जाएगा। और यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर 3 डेटों के बारे में बताया गया है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इग्नू के तरफ से 3 जुलाई 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 3 जुलाई 2021 को ये वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसके बारे में आपको पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा डेट आपको बताया गया, इसमें आपको ये बताया गया कि 9 जुलाई 2021 को भी इग्नू के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि ये है। और उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एक तीसरे डेट के बारे में बताया गया कि 28 अक्टूबर 2021 को भी इग्नू के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो कि ये वाला है। और इसमें आपको ये बताया गया था कि जो भी जुलाई 2020 के बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको प्रमोशन दिया गया था। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड भी बताया गया कि कौन कौन से प्रोग्राम में आपको प्रमोशन दिया गया है। तो यहाँ पर ये 3 डेट आपको क्यों बताया गया है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के बारे में बात करते हैं। इग्नू में जितने भी प्रोग्राम होते हैं आपको 2 मोड में ऑफर किए जाते हैं, एक तो ODL मोड में यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में, और दूसरा ऑनलाइन मोड में। और यहाँ पर जो प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, यानी कि ये वाला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जो भी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री जुलाई 2020 के स्टूडेंट है, इसमें जो प्रमोशन दिया गया था सिर्फ जो ODL प्रोग्राम के स्टूडेंट थे उनको ही प्रमोशन दिया गया था। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन ये जो जारी किया गया है आज के डेट में, इसमें ये आपको बताया गया है कि जो भी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है जिनका प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है अब उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए इस चीज को साफ साफ लिखा गया है कि जो भी बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, यहाँ पर फर्स्ट ईयर भी बताया गया है, और जिनका एडमिशन जुलाई 2020 में हुआ है ऑनलाइन मोड वाले प्रोग्राम में, यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन मोड वाले प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिनके एग्जाम जून 2021 सेशन में होने वाले थे जो कि नहीं हो पाए, तो अब आपको ये बताया गया है कि अब उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा। और जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो आपको नहीं देना होगा। और इसके अलावा जो ODL मोड वाले प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनको पहले ही प्रमोशन दिया जा चुका है इस नोटिफिकेशन के तहत। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है कि किसे प्रमोशन दिया गया था ODL वाले प्रोग्राम में और किसे नहीं दिया गया, सकते इसका लिंक नीचे दिया गया, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी बताया गया कि जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो आपको नहीं देना होगा। और फर्स्ट ईयर का नंबर आपको कैसे दिया जाएगा, जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड ईयर में जो भी आपका नंबर आएगा उसका एवरेज निकाला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम है, यानी कि जो ऑनलाइन वाला प्रोग्राम है ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आपको प्रमोशन दिया गया, यानी कि जिसका एग्जाम आपको नहीं देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो ऑनलाइन प्रोग्राम यहाँ पर लिख दिया गया है, और ये है यहाँ पर, ये सिर्फ 4 प्रोग्राम में ही आपको प्रमोशन दिया गया है। पहला तो है बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडी यानी कि BTS, उसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट्स ट्रांसलेशन एंड स्टडीज यानी कि MATS, और फिर है मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडी
एमए जीपीएस और मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी यानी कि एमएचडी। और यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि जिनका जुलाई 2020 का एडमिशन है ऑनलाइन मोड वाले प्रोग्राम में, और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम कोड मेंशन किया गया है सिर्फ इनमें ही आपको प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि जो भी आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, असाइनमेंट हो गया, डेसिटेशन हो गया, इंटर्नशिप हो गया, फील्ड वर्क हो गया, इसमें आपको प्रमोशन नहीं दिया गया है, ये सब आपको कम्प्लीट करना होगा। सिर्फ जो थ्योरी का एग्जाम है इसमें आपको प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, यानी कि आपको प्रमोशन दिया गया है, आप प्रमोशन नहीं चाहते हैं, तो जो जून 2022 सेशन का एग्जाम होने वाला है इसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा जब तक आपका एडमिशन वैलिड है तो तब भी आप अपना एग्जाम जो है फर्स्ट ईयर का जिसमें आपको प्रमोशन दिया गया उसका एग्जाम कभी भी दे सकते हैं। और अगर प्रमोशन चाहते हैं तो एग्जाम देने आपको नहीं जाना होगा, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और आपको ये भी बताया गया है कि जिनको अभी फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया उसका नंबर आपको कैसे दिया जाएगा। तो जैसा कि यहाँ ऊपर भी आपको बताया गया था, तो यहाँ पर भी आपको बताया गया है कि जब आपका सेकेंड ईयर कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ईयर में आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है सभी का थ्योरी का एग्जाम कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही जो फर्स्ट ईयर में आपको प्रमोशन दिया गया है उसका नंबर आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। अगर इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको मैं आसान से शब्दों में बताऊं तो जुलाई 2020 में ये था कि जो भी ओडीएल प्रोग्राम के स्टूडेंट थे पहले उनको ही प्रमोशन दिया गया था इस नोटिफिकेशन के तहत। अगर इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें आपको ये बताया गया है कि यहाँ पर ये जो चार प्रोग्राम कोड दिया गया है, तो अगर आपका इनमें से कोई भी प्रोग्राम कोड है और आपका प्रोग्राम ऑनलाइन मोड में है और आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया है जिसका एग्जाम आपको नहीं देना होगा। उम्मीद है कि आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे मेंशन किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।